this. Come on, get up, you fighter. Get up. Oh, yeah? तू मारना तो क्या, अपने आप को बचाना भी भूल गया। तू वो लव की किताबें लिखना छोड़कर ये बॉक्सिंग कब से चालू कर दिया है? तब से जब से तू लव भी भूल गया है और बॉक्सिंग भी, और घर का रास्ता भी भूल गया है। ए, ज्यादा शाना मत बना। बताऊं क्या? हाफ बैठ। Wow, damn good for a boxer, you know. Stamina बढ़ाती है। तुझे हुआ क्या है यार? तुझे क्या हुआ है, damn it? तुझे क्या हुआ है? What are you doing with your life? तूने अचानक शादी कर ली, मुझे बाराती बनने का मौका दिया बिना। मैंने कुछ नहीं कहा। But don't I have a right over you, Vicky? तूने जब से घर छोड़ा है तब से एक बार भी मिलने नहीं आया। उस घर से मुझे निकाला गया है। तुझे कंप्लेन करने के सिवा और अपने आप पर तरस खाने के सिवा और कुछ नहीं आता है। Stop it, विवा। डांटना तो सब जानते हैं, प्यार कौन करता है? बस लग गया ना अपने आप पर रोने। रिट्स बहुत अच्छी लड़की है, जरूर तेरी ही गलती है, इसे जाकर मना ले। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। फिर उसकी तस्वीर यहां क्या कर रही है? विक्की, आई लव यू, वी ऑल लव यू, प्लीज उसे वापस बुला ले, नहीं तो लव दिखाने का सिर्फ ये तरीका नहीं कि शादी में लाखों रुपए खर्च किए जाएं। बात लाखों रुपए खर्च करने की नहीं है, कुछ अरमान पूरे करने की है। जाने दीजिए मामा, अरमान पूरे करने की या लोगों को दिखाने की? फिर क्या, जंगल में जाके रहो, वहां लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब समाज के कानून नहीं माने तो समाज में रहना क्यों? कौन से लोग हमारी जरूरत में काम आए थे? कौन से समाज ने हमारे बेगुनाह होने पर हमें कानपुर में रोक लिया? तू तो बस उल्टा ही बोलेगी। बेटा, खुशी अकेले नहीं भोगी जाती, सबके साथ बांटी जाती है। अच्छा, आप सबके साथ खुशी बांटना चाहते हो ना, तो बुलाइए सबको चाय पे, मैं देखती हूँ कैसे खुशी बांटते हैं। आएंगे, चाय पियेंगे और फिर बुराई करेंगे। तूने अपनी शादी अपनी मर्जी से कर ली ना, अब मेरी बड़ी बेटी की शादी मेरी मर्जी से हो जाने दे। अच्छा, अपनी मर्जी का मतलब है लाखों का कर्जा लेना, बेकार की शोशेबाजी। अरे कर्ज की कौन कह रहा है, फिक्स डिपॉजिट है, उसे तोड़वा लेते हैं। अच्छा अच्छा, जो थोड़े बहुत पैसे आपने अपने बुरे दिन के लिए रखे हैं वो भी खर्च कर डालो। तू चाहती क्या है, मैं उसे कुछ भी ना दूं? अरे इतनी महंगाई का जमाना है, कुछ तो खर्च होगा ही, और फिर मेरे बुरे दिन के लिए तुम लोग नहीं हो क्या? नहीं मामा, बात पैसे की नहीं है, बात एथिक्स की है। मैं शादियों में ये सब वेस्टेज बर्दाश्त नहीं कर सकती। शादी मन का मेल है, सो प्योर। ये सब ड्रामा और चक्कर क्यों, दिखावे का? अरे दिखावा नहीं है रे, अच्छा लगता है। आप अपने बच्चे के लिए कुछ कर पा रहे हैं सोचकर बहुत अच्छा लगता है। मामा, शादियों में खुशी जाहिर करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऋचा की शादी को बहुत खूबसूरत बनाऊंगी, बिना पैसे की वल्गैरिटी दिखाए। अच्छा, हेलो हेलो रिचा, कुड यू प्लीज टॉक अ लिटिल सॉफ्टली? सॉरी रिचा, कंग्रेचुलेशंस। मैंने तुझसे कहा था ना कि करण को सिर्फ थोड़ा वक्त चाहिए, वो शादी तुझसे ही करेगा। आप कौन बोल रही हैं? मैं निकी, तुमने पहचाना नहीं? मैं जानती हूँ तू मुझे अपनी शादी पे नहीं बुलाएगी, लेकिन तुझे दुल्हन के रूप में देखने का बहुत अरमान है मेरा। बिलीव मी, आई होप यू एंड करण विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच निकिता।
How's your child, Nikita? वैसे हमने कोई गेस्ट लिस्ट नहीं बनाई पर मैं रितुरिया को कह दूंगी कि आपको जरूर इनवाइट करे. थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग एंड टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड. बाय. हेलो करण. निकी करण. क्या बात है निकी? करण मैंने अभी अभी ऋचा से बात की है. कोई बात नहीं, दोबारा बेस्ट ऑफ लक कहना चाहती थी. आई नो यू नीड इट. अच्छा रितु, देख ये मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा का इनविटेशन है, इसको तू पर्सनली जाके पोस्ट करना. वो कहाँ अमेरिका से आने वाले हैं मॉम? अरे आए ना आए, हमारा तो फर्ज बनता है ना उन्हें बुलाना. कितना एहसान किया उन्होंने हमारे ऊपर. अगर वो हमें ये घर ना देते तो हम क्या बॉम्बे में रहते इस तरह? अच्छा अच्छा बताइए और किसको बुलाना? देखो श्री कुमार शर्मा. मॉम रितु वो मेरे समधी हैं. मेरा अब उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहा है. देख रितु मैं चाहती हूँ कि ऋचा के शादी के मौके पर तुम्हारी और विक्रम की फिर से एक बार पंडित के सामने शादी करवा दें. मैंने कहा ना अब हम लोगों का रिश्ता खत्म हो चुका है. नहीं नहीं रितु. अच्छा देख कुमार साहब से तू अब तो गुस्सा नहीं है, उस गुस्से की वजह भी खत्म हो चुकी है ना. देख इस खुशी के मौके पर सब झगड़े भुलाकर तुम और विक्रम फिर से मिल जाओ. अच्छा मैं खुद कुमार साहब को जाके निमंत्रण दे के आती हूँ, वो जरूर आएंगे. अरे रिया तू कहाँ थी भाई सुबह से? हम लोग यहाँ गेस्ट लिस्ट बना रहे हैं. चल तुझे भी कुछ गेस्ट बुलाने हैं कि नहीं? तुम्हारे गेस्ट कौन है मम्मा? मेरे तो कोई पर्सनल गेस्ट है ही नहीं. याद करो कोई याद आ जाए जिसे तुम बुलाना चाहो. याद आया? खैर मेरे तो दो ही गेस्ट हैं, एशली और पुरुषोत्तम अंकल. मिस्टर सेठ? हाँ उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, उन्हें तो जरूर बुलाना चाहिए. नहीं मॉम? नहीं मॉम, हर कोई एरा गैरा नहीं, वही लोग जो सिर्फ क्लोज हैं बस. ये तो मिस्टर सेठ कोई एरे गैरे तो नहीं है. तुम्हें नहीं लगते होंगे लेकिन मुझे लगते हैं. तो ऐसे चौकी जैसे मुझे सात समंदर पार की सजा दी गई हो और मैं वहां से जेल तोड़कर आया हूं. नानी के यहां से कब लौटे? काफी दिन हुए, इंतजार करता रहा कि आप मिलने आओगी लेकिन मैं ऋचा की शादी में इतनी बिजी हो गई थी कि. ओह दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. आओ अंदर तो आओ बैठो. इट्स डिफिकल्ट लेकिन सीधे पूछना ही अच्छा है. आप विकी के साथ क्यों नहीं रहती हो? Let's not talk about it. भाभी, मुझे इस बारे में बात करनी है. I'm not a kid anymore. I know Vicky loves you and you love him too. उसे मेरी जरूरत नहीं है. एक बात सच कहूं, जब आपने विकी को चुना था तब मुझे बहुत हैरानी हुई थी. He's a very difficult person to understand. आप दोनों को साथ देखकर खुशी हुई थी लेकिन आप भी उसे नहीं समझ पाई. समझ पाना और साथ रहना तो बिल्कुल अलग बातें हैं. प्लीज गिव इट वन मोर ट्राई. मेरी इच्छाओं का क्या, वो तुम समझ पाओगे? मैं जानता हूँ वो आज भी आपका इंतजार कर रहा है, उसे आपकी बहुत जरूरत है. प्लीज आप एक बार जाकर उससे मिलिए मेरे खातिर. अंगूठी का साइज देने कब जाना है?
हेलो हाय रितु अभिषेक हियर हाय वो मुझे ऋचा की चूड़ी का साइज चाहिए था अरे अंगूठी का भी हाँ अंगूठी का भी अच्छा मैं अभी उसका साइज लेती हूँ आप कब आएंगे लेने बस निकल ही रहा हूँ एक घंटे तक पहुँच जाऊंगा अरे पूछ ऋचा से कि उसे कौन सा कलर पसंद है हाँ करण पूछ रहे हैं कि ऋचा को कौन सा कलर पसंद है वैसे पूछने की जरूरत नहीं है मुझे तो मालूम ही है गुलाबी रंग है ना हल्का गुलाबी रंग आप तो वाकई में ऋचा का पसंद जानते हैं बस ऐसा ही है अरे ऋतु करण ओ आप करण है अच्छा आप नहीं बताते तो मैं बिल्कुल नहीं पहचान पाती ऋतु ऋचा कैसी है मैं उससे मिल सकता हूँ नहीं कोई मिलना मिलना नहीं नो वे ऋतु प्लीज तुम चाहो तो कुछ भी हो सकता है जस्ट वंस अच्छा एक काम करो तुम अभिषेक को भेज दो वो ऋचा से मिल लेगा और उसके बाद तुम उसकी आंखों में झांक लेना और ऋचा को देख लेना ओके बाय सी यू कितनी खुशकिस्मत है ऋचा दी एक और तुझसे करण शादी करना चाह रहा है और दूसरी ओर अभिषेक तुम्हें किसी भी हाल में अपनाना चाह रहा है और एक तू है जिसे कोई होश ही नहीं है ऋतु याद है बचपन में हम लोग पिकनिक के लिए एक किले पर जाया करते थे वहां मैं इतना तेज दौड़ती थी कि कोई मुझे पकड़ ही ना सके I'm really jealous of you, Richadi. ऐसा क्यों है कि मुझे दुनिया में आज तक कुछ नहीं मिला और जिसे इतना प्यार मिला है उसे उस प्यार की कदर ही नहीं है तो मुझे वो पपिया चाहिए जो प्यार के मुंडेर पे चहकता था साल में एक ही बार आता था ना रिचा बहुत सुंदर दुल्हन बनेगी सारी खुशियां बटोर ले यार कितना अच्छा होता ना किसी का बनना तेरा दूल्हा कैसा है ऋतु वैसे तुम इसका मतलब समझती हो मैं बताऊं शादी मतलब ये कि लल्लू राजा शादी का मौका है नाचो गाओ हंसो और अगर किसी को दिल की बात कहनी हो तो कह डालो अरे कोई लड़की को बुलाओ कोई आकर कोल्ड ड्रिंक्स की ट्रे तो ले जाओ हाय हाय आप तो रहने दीजिए मैं ले आती हूँ हाय मामा अरे ऋतु कहाँ चली गई पता नहीं मुझे बताकर नहीं गई पता नहीं बताकर जाने में इसकी कौन सी आजादी छिन जाती है ओ मामा आ जाएगी ना अब शादी में कितने झमेले हैं और सारा कुछ उसी ने सामान रखा है बस लास्ट मोमेंट पे कुछ याद आ गया होगा आ जाएगी रिया राधा नीड एनी हेल्प देखिए आप मुझे मेहमान मत समझिए हां प्लीज एशले एशले एशली ब्रूसली एशली ओके एशली तुम
राधा की मदद करो, मैं जा रही हूँ बाहर मस्ती मारने। I'm a really good cook. आप मुझे बताइए करना क्या है। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। I know what I'll do. I'll wash the dishes. अरे बन्ना, अरे रिचा बिटिया की शादी और हमें नहीं बुलाया? जी, आप अरे ना सुनो, ये छोकरी की बात तो सुनो, कहती है आप, अरे तू इतनी सी थी, तुझे क्या याद होगा? अरे कहाँ है हमारी शैतान रितु, जा उसे बुलाना, देख मुझे देख के ही ना कूद पड़ेगी। ठीक है। माँ किचन में है। अरे जब देखो तेरी माँ किचन में ही रहती है, तो उससे कह के सरला मौसी आई है। सरला मौसी? सरला मौसी नहीं पहचाना? अरे चंदर भैया के फुफेरे भाई की चचेरी बहन की मौसी के ममेरे भाई की लड़की। अरे अब तो रिश्ता भी बता दिया, अब मत कहना कि कौन सरला मौसी। अब मैं समझी कि तुम लोग मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो। अरे मेरी वजन की वजह से ना, अरे सिर्फ 20 किलो तो बड़ा है, और बड़ा क्या मेंटेन किया है, अब पहचाना। राधा मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि इतनी सिंपल शादी हो रही है। रितु का आइडिया है। वैसे मैं तो रितु का आइडिया बहुत अच्छा है। मैं ज्यादातर शादियों में इसलिए नहीं जाता हूं बिकॉज़ आई हेट टू सी थिंग्स गेटिंग वेस्टेड, बट हियर आई एम रियली एंजॉयिंग मायसेल्फ मैडम। रितु कहां है? पता नहीं कहां चली गई, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो ना तो जस्ट कॉल एशली एंड आई विल बी देयर। ओके A thousand apologies, madam. You're forgiven, sir. मामा, बाहर कोई सल्ला मौसी आई है। कौन सल्ला मौसी? अब मुझे क्या मालूम कौन सल्ला मौसी, कोई मोटी सी औरत है। तुम चल चल। रुक जा 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 जा। ये लड़का मुझे राधा क्यों कहता है? मामा, आंटी भी कह सकता है। हाँ, आंटी भी कह सकता है। मैंने एक दिन उसे पूछा था कि मेरी माँ को तुम राधा क्यों कहते हो। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम्हारी माँ जो है ना राधा, वो आंटी के लाने के लिए बुढ़ी नहीं हुई। क्या बोल रही, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? बुलाओ उसे, पूछो। अच्छा अभी चलते हैं, सबको संभालेंगे, मोटी सरला आंटी को भी संभालेंगे, पर यहाँ कौन संभालेगा? रितु पता नहीं कहाँ चली गई है। ये रितु को भी अभी आ जाना चाहिए था ना। जो विकी से मिलने नहीं आना चाहिए था, मैं यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। I'm impressed, Vicky. Thank you. ये प्रोजेक्ट हमें तुम्हारी मेहनत की वजह से ही मिला है। नहीं, हम दोनों की मेहनत की वजह से। Together we make a good team. सेलिब्रेट किया जाए? Sure, lunch? Sure. Where do you say we go? Well, it depends on what you want to eat. रितु, चालिन पिक्चर या फिर ओके कम ऑन। रितु, मुझे लगता है तुम्हें कॉफी की जरूरत है ना? देखो ना, नाम तो तुम्हारा रितु है और विकी मौसम की तरह बदल गया। जिस वगैरह में रितु, just forget him. ओह, मेरा कितना ख्याल रखती है तू। अरे चली गई। अरे राधा दीदी, कैसी है आप? पहचाना? कब भूल गई? अरे याद नहीं क्या? हम दोनों मेले में बचपन में कचौरियां खाते थे। सरला मौसी जी बेटा,
फेकू। अरे क्या फेकू बेटा,